एकदास हो बनंग जात वो अजामिल का उपाख्यान अभी हम लोग वर्णन कर रहे हैं। तो अजामिल का विषय पहले ब्राह्मण बालक सब ब्राह्मण का गुण उसमें था। वो ब्राह्मण का गुण जो है उसको बताया गया है अयं हि सुत सम्पन्न। ये व्यक्ति जब बालक था ये जो युवक था उनको शादी हो गया था तो सुत सम्पन्न, सुत का अर्थ होता है वेद का ज्ञान। वेद का नाम है श्रुति और जो वेद का ज्ञान सुन के लाभ किया है उसको कहा जाता है श्रोत्रियम और श्रुत। जो वेद का ज्ञान सुना है गुरु से, सुनने का चीज है। पहले सुने, ये जो हम लोग सत्संग चला रहे हैं इसका उद्देश्य है कि वेद का जो ज्ञान है उसको आप लोग खा करके सुने, सुनते सुनते ज्ञान लाभ होगा। पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, कोई अगर पढ़ने को लिखने को नहीं जानता है तो उसको ज्ञान कैसा होगा, सुन के होगा, भगवान कान दिया है। असल में पहले वेद का ज्ञान सब कोई गुरु से सुन करके ही सीखता था, लिखित पुस्तक नहीं था। लिखित पुस्तक ये कलियुग का प्रारंभ में व्यासदेव देखा कि कलियुग में स्मरण शक्ति कम हो जाएगा, इसीलिए केवल सुन करके उसका ज्ञान लाभ नहीं होगा, वो किताब पढ़ना चाहिए, रखना चाहिए। इसलिए हम लोग इतने किताबें सब छप रहा हूं कि केवल इधर कभी कभी आप लोग आए सुन करके चले गए, केवल इधर कभी कभी आप लोग आए सुन करके चले गए, उसमें काम नहीं बनेगा। किताब पढ़िए सर, किताब पढ़ने से वेद का ज्ञान लाभ होगा। इसलिए ये जो ब्राह्मण बालक अजामिल आज इनकी इतनी दुर्दशा हुई है उसका कारण ये जमराज का जो दूत है बता रहे हैं कि ये व्यक्ति पहले जैसा ब्राह्मण का गुण होना चाहिए वो सब इनका था। क्या है न सुत संपन्न, अच्छी तरह से वेद का ज्ञान सुना हुआ था, संपन्न संपन्न माने आखिरी तक सुना था चार वेद का विषय में, और शील वृत्त गुणालय और व्यवहारिक काम में भी बड़ा सज्जन और सद्गुण सब इनमें था। शील सत्व गुणालय धृतव्रत और धृतव्रत का अर्थ होता है जो काम करना है उसको व्रत धारण के किया जाए, इन्हें फुल डिटर्मिनेशन धृतव्रत। भगवद गीता में भगवान कहते हैं महात्मा अनुष्ठान प्रार्थ दैवी विपरीति मासित भजंती धृतव्रत। दे वर्ड इज ये शब्द का बताया है धृतव्रत और धृतव्रत। जीरो मीन निश्चित, सवेरे चार बजे उठना है निश्चित, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई चार बजे उठा और कोई नहीं उठा, नहीं, रोजाना अवश्य उठना चाहिए चार बजे, उसका नाम है धृतव्रत और धृतव्रत। ये नहीं जो ऑकेजनली कभी कभी हम उठ जाते हैं चार बजे, नहीं, रोजाना उठना चाहिए, ये ब्राह्मण का काम है। धृतव्रत मृदु बड़ा शांत स्वभाव, दांत यानी अपना इंद्रियों को दमन करके रखना ये ब्राह्मण का काम है।
समा धमा, मन को स्थिर रखना, इंद्रियों को स्थिर रखना, समा धमा तितिक्षा, ये सब सीखना चाहिए। तो इसलिए बताया था मृदु दांत सत्यवान। सत्यवान का अर्थ होता है कभी झूठ नहीं बोलता। सत्यवान मंत्रविद और वेद का मंत्र साहब कंठस्थ और शुचि, बड़ा शुचि संपन्न, नीट एंड क्लीन, थ्राइस टेकिंग बाथ, तीन दफे स्नान करते हैं, कपड़ा और शरीर खूब शुद्ध रखते हैं। और गुरु अग्नि अतिथि विद्याना, ये तीन वस्तु को सत्कार करना, गुरु को देख करके ही नमस्कार करना चाहिए, दंडवत। और अग्नि इन्हें रोजाना यज्ञ करना चाहिए। और अतिथि, कोई व्यक्ति अचानक घर में आ जाए उनकी सेवा करनी चाहिए। और वृद्धालांग, और विशेष करके वृद्ध व्यक्ति को खूब अच्छी तरह से सम्मान करना, उसको संतुष्ट करना, ये सब गुण है। और शुशुषु अनहंकृत, ये ब्राह्मण बालक ये सब करते थे और अहंकार भी नहीं, हम इतना करने वाला है, अनहंकृत, सर्वभूत सुहित और सबके लिए सुहित, यानी उसको अच्छा सोचना, सबके लिए, सबका मंगल हो, सर्वे सुखी न भवंतु, ये सब मनुष्य का सद्गुण है। साधु, और साधु एक एक शब्द का अनेक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अर्थ है, संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। तो साधु का अर्थ होता है भगवत भक्त, भगवान जैसे बताया है भगवत गीता में, साधु रे वो समन्तव्य। साधु का अर्थ होता है कौन, भजते माम अनन्न भाव, पीछे सुदुराचार भजते माम अनन्न भाव, साधु रे वो समन्तव्य, जो कि भगवत भक्त है, भगवत सेवा छोड़ करके और दूसरा काम उनका नहीं है, उसका नाम है साधु। तो ये साधु शब्द भी आया है। मितवाक, और ज्यादा अनशन वक्ता नहीं, ये भक्त का उचित है कि केवल भगवान का ही नाम कीर्तन करें। अनशन बकने से खाली परमायु हानि होती है, उसमें कुछ लाभ नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहता है वाचांशी भूकुंठ गुणानुबर्णन, यदि आप बात करें, बातचीत करें, तो वैकुंठ जो भगवान है उनका विषय करें, वो सिनेमा एक्ट्रेस का विषय नहीं। सवनम कीर्तनम विष्णु, अगर बातचीत करें, सवन किसी का विषय सवन करना है, तो भगवान विष्णु का विषय सवन कीजिए। और किसी का विषय कुछ बोलना है तो वो भगवान का विषय ही बोलिए। सवनम कीर्तनम विष्णु वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, सबई मन कृष्ण पदार बिंद, इसका नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत। ये सब समय मन को भगवान का चरण में लगा के रखना। और भगवान खुद बताते हैं, मन मना भव मद भक्त मत जाजी मांग नमस्कुरु। तो इसका नाम है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है। ये चार बात, सब समय भगवान का चिंतन करना। इसलिए हम लोग सबसे अनुरोध करते हैं कि हरे कृष्णा नाम जपा कीजिए तो मन भगवान में लगेगा। हरे कृष्णा कृष्णा नाम तो सुन रहा है ना, तो सुनने से मन जाएगा उधर, ये मेडिटेशन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मन मना, वो करेगा कौन, मद भक्त, मन मना भव मद भक्त, बिना भक्त हुए वो हरे कृष्ण क्यों जपेगा। तो मन मना भव मद भक्त मद जाजी, मुझको पूजा करो, इसलिए भगवान खुद आए हैं मंदिर में, खूब अच्छे से सजाओ, भगवान को फूल चढ़ाओ, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद खाओ, ये सब शास्त्र में विधान दिया है।
मनमना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु। अगर कुछ नहीं कर सकते हो एक दफे आकर के नमस्कार करके जाओ, बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी हम लोग करने को नहीं चाहते। अब लोग कहते हैं चलो जी मंदिर में जाके कर क्या होगा, चलो रेस्टोरेंट में चलो एक कप चाय पिया जाए, बीड़ी फूका जाए। ये सब दुर्दशा क्यों ना हो, तो शास्त्र में जो विधि है उसको हम लोग मानते नहीं, उसको उल्लंघन करते हैं, तो उसको कभी सुख मिल सकता है नहीं। जशास्त्र विधि जब वर्तते काम कार न सुखम सहवानति, उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। शास्त्र विधि को उल्लंघन करेंगे और हम सुखी रहेंगे ये संभव नहीं है। तो ये बालक, ब्राह्मण बालक, ये युवक 20-25 बरस उमर, ये सब चीज सीख लिया था। ब्राह्मण का घर में जन्म लेने का उपकार क्या है, दूसरे को सीखने पड़ता है। और ब्राह्मण का घर में जन्म होने से पिता माता का आचरण देख कर ये खुद ही सीख जाता, ये उपकार है। और ब्राह्मण का घर में जन्म हुआ और पिता माता का भी ब्राह्मण का आचार नहीं है तो बालक कैसे सीखे, और उसको सिखाया भी नहीं जाता स्कूल कॉलेज में भी, तो ये पतन हो गया। तो पतन होने का बहुत कारण है, और एक कारण ये बता रहा है कि एकदा असौ, वो जो अजामिल ब्राह्मण कुमार एक दफे बनंग जात वन में गया था। ये एक दिन नहीं, ये ब्राह्मण का काम ही है जो वन में बगीचा में जाकर के भगवान के लिए सब पुष्पादि संग्रह करें। भगवान बोलता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम जूमि भक्त्या प्रजच्छति, भगवान को अर्चन करने के लिए कोई ज्यादा खर्च नहीं है, जो खर्च कर सके वो खर्च करें खूब अच्छी तरह से, और जिसका पास पैसा है नहीं खर्च नहीं कर सकता है उसके लिए भगवान राजी है। जो थोड़ा सा पत्र हमको दो, थोड़ा सा पुष्प हमको दो, भगवान नहीं बोलता है जो हमको सोना के थाली में लूची पूरी कचौड़ी लिया कर, भगवान खाने का बहुत है, उनको खाने के लिए कोई अभाव नहीं है। उनको कहते हैं चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लखा वृतेशु सुरभी रविपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से भगवान, भगवान की सेवा करने के लिए शत सहस्र हजारों लक्ष्मी गॉडेस ऑफ फॉर्चून सब सेवा करने के लिए तैयार। तो भगवान का कुछ अभाव नहीं है। भगवान ये बम्बई में जुहू में आके बैठ गए हैं, जो बेचारी खाने को है ही नहीं, इधर आपसे मांगने को आया, ये बात नहीं है। बात यह है कृपा करके आए हैं कि आप लोग मनमना भव मद भक्त मद्यादि मांग नमस्कुरु, ये सुविधाएं आपको देने के लिए आए हैं। और आप लोग चाहते हैं ये मंदिर किसी तरह से नहीं बने, भगवान इधर बैठ नहीं सके, ये आपकी प्रतिज्ञा है। भगवान बेचारी आए हैं आपको सुविधा देने के लिए, और आप लोग कृत निश्चय है कि इधर मंदिर को होने को नहीं देंगे। जब कीर्तन हो पुलिस में एप्लीकेशन दो, और पुलिस साहब कहें कि कीर्तन इज नुइसेंस, तो ये परिस्थिति है। इसका नाम है कलयुग। जो भगवान कहते हैं जदा जदा ही धर्म सज्ञानी भवती भारत तदात्मानं सृजामि अहम्, ये धर्म की ग्लानी जब हो तब हम खुद आते हैं कि हमारा कोई परम भक्त को भेजते हैं उनको उद्धार करने के लिए, और वो बेचारी आए भी तो आप लोग उसको बैठने को नहीं देंगे, ये परिस्थिति है। तो ये बालक, ब्राह्मण बालक, ब्राह्मण का सब गुण वो सब लाभ किया था, परंतु एक दिन एकदा सो बनंग जाता,
वन में जाने का समय इसलिए वन में जाते हैं ना, पितृ संदेश आपके दिज, पिताजी घर में बैठ के भगवान की अर्चना कर रहे हैं और पिताजी आदेश दिया है बेटा ये सब फूल और घास और तृण ये सब ले आओ। ब्राह्मण है उनका पास ज्यादा तो पैसा है नहीं, बाकी भगवान कहते हैं जो हमको पत्र पुष्प दो, पैसा है नहीं तो क्या हो, पत्र पुष्प तो कहीं भी मिल जाएगा, घर में भी मिल सकता है, घर का बाहर में भी मिल सकता है, ये कोई बात नहीं है। जो लुची पूरी हलवा देने से ही भगवान संतुष्ट रहेंगे नहीं, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम जूमी भक्त्या प्रदत्ते तद हम मसनामी, मैं उसको ग्रहण करता हूँ खाता हूँ। और भगवान आपका हाथ में एक दफे खा लिया तो फिर आपको क्या अभाव होगी, तब तो आप सबसे बड़ा आदमी हो क्या। ये सब उदाहरण है, जो भगवान एक दफे जिसका हाथ से खा लिया था उसको कभी दारिद्रता नहीं रहेगा, शास्त्र में बताते हैं। आजकल सब कोई हम लोग को पूछते हैं जी भगवत भजन करके क्या होगा, आदमी सब गरीब है और उसको पहले खाने को चाहिए, और हम लोग एडवर्टाइज करते हैं जिसको खाने के लिए कोई संस्थान नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है और रहने का जगह नहीं है, आइए हमारा पास, हम बम्बई में और अच्छी तरह से मकान बना रहे हैं, सब आइए रहिए, बाकी कोई नहीं आता, हमको परदेश से आदमी लाने पड़ता है मंदिर चलाने के लिए, कोई आते नहीं। ये बहुत खेद का बात है, जो भारतीय क्रिश्चियन है उसमें भारतीय कोई आता नहीं, वो मिल में जाता है, विदर नहीं आता। तो हम लोग क्या करें, हम लोग तो खुशामदी कर रहे हैं, आइए इधर रहिए, इधर भगवान का प्रसाद खाइए और कीर्तन कीजिए और सब चीज आपको मिल जाएगा, भगवान खुद कहते हैं तीसाम नित्याभिजुक्ता नाम जुगो किम बहम, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन, अनन्न चिंतन तंग मांग जी जो नाप जुपास तीसाम नित्याभिजुक्ता नाम योग खेम बहामी अहम। यदि आप अनन्न चिंतन केवल भगवान की चिंतन में निजुक्त रहे, अनन्न चिंतन तो अनन्न चिंतन देसाई कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो हम लोग सिखाते हैं, तो अनन्न चिंतन सब समय 24 आवर्स 24 घंटा केवल भगवान का चिंतन और कोई चिंतन, जो कुछ काम किया जाए सब भगवान के लिए इधर होता है। एक्चुअली आप लोग सब देखिए, हम लोग ऐसे नहीं है बैठ के रहते हैं सोते हैं नहीं, हम लोग मंदिर में अर्जन करते हैं, भगवान को सजाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के लिए अच्छी तरह से रसोई करते हैं और रसोई के लिए चीज हम मांग के ले आते हैं और भगवान के लिए किताब लिखते हैं और किताब भी फिर छपाते हैं, प्रेस में जाते हैं, जिस तरह से अच्छी तरह से किताब छपा गया देखता है फिर उसको बेचने के लिए कोशिश करते हैं, इसीलिए 24 घंटा हम लोग का एंगेजमेंट है, 24 आवर्स एक मिनट भी समय नहीं है, इसका नाम है अनन्न चिंतन, और कुछ चिंता नहीं है केवल भगवान का विषय। जैसा साधारण व्यक्ति उस सब समय अपना घर गृहस्थी का चिंतन करते हैं किस तरह से अपना गृहस्थी को पालन किया जाए, किस तरह से लड़का बच्चे को शिक्षण दिया जाए, किस तरह से रुपया उपार्जन किया जाए, ये जैसे उनका चिंतन है हम लोग का भी ऐसी चिंतन है, बाकी भगवान के लिए, भगवान का मंदिर किस तरह से बनेगा, इतना क्यों लड़ाई हम लोग इधर करते हैं, हमारा 108 मंदिर है और एक अगर इधर नहीं हुआ तो 107 तो जरूर रह जाएगा, तो उसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं है। बाकी हम लोग सोचते हैं जो ये भगवान का मंदिर बम्बई इतना बड़ा भारी शहर है क्यों अच्छी तरह से नहीं बनाया जाए, ये हम लोग का चलता है, बाकी बाधाएं देते हैं नहीं तुमको नहीं देगा, तो बाधाएं देने होने दीजिए, बाकी हम लोग चिंतन नहीं छोड़ेंगे, हमारा चिंतन चलेगा, ये हमारा काम है,
उसमें सफल होए और नहीं सफल होए वो चिंतन है नहीं। सफल होगा भगवान की इच्छा होगा तो स्वतंत्र इच्छा होगी तो सफल होगा, और नहीं होगा तो हमारे क्या, भगवान का काम भगवान को करने को नहीं दिया तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं। तो ये इसका नाम है मन मना मम भक्त। ये इतना प्रयास कौन करेगा अगर भक्त नहीं हुआ, वो लोग छोड़ देगा बोले क्यों इतना झंझट में जाया जाए, चलो जी इतना टाइम तो कुछ शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन करने से कुछ रुपया पैदा हो जाए। तो ये भक्त ही कर सकता है, मन मना भगवत भक्त, इसलिए भगवान कहते हैं भगवत भक्त, क्योंकि उसका चिंतन सब समय रहेगा और वही सबसे बड़ा योगी है जो भगवान का चिंतन किसी तरह से जीन तेनो प्रकार, ये चैतन्य महापुरुष का फिलोसफी है, किसी तरह से जीन तेनो प्रकार है ना मन कृष्ण निवेश, किसी तरह से मन जो है उसको भगवान का चरण में लगाएगी, ये कृष्ण कॉन्शसनेस फिलोसफी। तो हर किसी का काम इधर है, कोई काम आप लीजिए उसमें कृष्ण सेंटर, इसलिए वो मन मना भवमद भक्त, वो भक्त हो गया और मन सब समय भगवान का चरण में उसको लगा रहा। तो उसके लिए भगवान खुद कहते हैं जो इस प्रकार जो व्यक्ति है सब समय हमारा चिंतन करते हैं उसको कोई अभाव नहीं रहेगा, उसका अभाव का विषय है मैं खुद देखूंगा। तेषाम नित्याभिजुक्तानाम योगोक्षेमं वहामी अहम, व्हाट एवर नेसेसिटी इज दे हैव गॉट कृष्णा इज बीइंग पर्सनली हियर यू टेक इट। एंड एक्चुअली आप लोग देखिए सब हमारा 108 मंदिर है सारा दुनिया में, और एक एक मंदिर में है 50 से कम नहीं 200 250 300 तक है भक्तों, और समझ लीजिए कितना भक्त है 108 मंदिर में सारा दुनिया में, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में दो है, एडिनबरा में है, और लॉस एंजलिस में है, बोस्टन में है, अमेरिका में 40 है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, सब जगह में है। बाकी कोई भी मंदिर में आप लोग जाइए देखिएगा कुछ अभाव नहीं है, जो को खेमंग वहां में हम, ये प्रैक्टिकल है, ये थियोरिटिकल नहीं है जहां हम लोग धोखा देते हैं बात बताते हैं। आप जाइए मुंबई में भी देखिए कितना परेशान हम लोग हो रहा है, बाकी हमारा सेवा पूजा चल रहा है, अगर मंदिर बनाने को नहीं भी दें तो हमारा सेवा पूजा तो चल रहा है, उसमें हमारा नुकसान कोई नहीं है। बाकी जो लोग बाधा देते हैं उनको नुकसान होगा, जरूर होगा, ये भगवान कभी सहन नहीं करेंगे। तो ये सब होनी चाहिए भारत में विशेष करके ये, क्योंकि भारत ही संपत्ति है भगवत भक्ति, भगवत भक्ति जो है विशेष करके भारतवर्ष में ही है, इसलिए देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको फिर भारतवर्ष में जन्म दीजिए। इस शास्त्र में भारत भूमि ऐसी है पुण्य भूमि कि इधर इधर में जिसका जन्म हुआ है वो स्वाभाविक तौर से ही भक्त होते हैं, उसको जबरदस्ती उसको अभक्त बनाया जाता है। अभी तक जब हम लोग कोई संकीर्तन मूवमेंट किसी शहर में करते हैं, आप लोग देखा होगा मुंबई में हम लोग वो व्हाट इज दैट प्लेस क्रॉस मैदान में 2-3 दफे किया था, तो 30,000-40,000 व्यक्ति सब आते थे। कलकत्ता में किया था, उधर भी यही, हैदराबाद में किया था, मद्रास में किया था। तो अभी तक भगवत भक्ति भारतीय लोग भूला नहीं है, उनको जबरदस्ती भुलाया जाता है, तो भूला नहीं, इसको छोड़ना नहीं, फिर मनुष्य जीवन का असफलता हो जाएगा, ये नहीं। मनुष्य जीवन का सफलता चाहते हैं तो ये भगवत भक्ति अवश्य ग्रहण किया जाए।